बस ठीक है। आज हम बनाएंगे पनीर की बर्फी। ये हमने 1 किलो दूध लेना फुल मलाई समेत। इसे हमने अच्छे से पका लेना है, बिल्कुल गाढ़ा करना है इसे। चले इसे गाढ़ा होने तक इसका इंतज़ार करते हैं। 1 किलो था, चल ये पक पक के ना आधा किलो रह चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे, 2 दफ़ा करके करेंगे। करेंगे तो चीनी और शामिल करेंगे। ये कलाकार मिठाई, कलाकार की मिठाई बना रही है, पनीर की मिठाई है। ये कलाकार बोलते हैं इसे। ये थोड़ा सा और इसे पकाएंगे, इसमें पनीर शामिल करेंगे। चलें जी, माशाल्लाह दूध पक के बिल्कुल आधा, आधे से भी आधा रह चुका है। अब इसमें हम पनीर शामिल करते हैं। ये पनीर भी मैंने खुद घर पे बनाया, बाज़ार से नहीं लिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये कलाकंद की मिठाई बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब तेज़ आंच पे पकाते जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया है। सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध लिया था फुल मिल्क मलाई के साथ, वो मैंने उसको पका पका के आधा किलो कर लिया था, आधा किलो से भी कम। फिर उसमें चीनी डाली थी आधा कप मैंने, अब अपनी टेस्ट के हिसाब से डाली। 2 इलायचियाँ डाली थी मैंने। उसके बाद मैंने पनीर डाला। पनीर डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह पका रही हूँ। घर का पनीर था मेरा, मैंने खुद बनाया हुआ था, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तकरीबन ये बन गई है हमारी मिठाई। अब इनसे
चूल्हे को बंद कर देंगे। ये हमारी बर्फी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें मैंगो की प्यूरी शामिल करेंगे। ये मैंगो कलाकंद बना रहे हैं हम। दो मैंने मैंगो लिए थे, उन्हें मैंने छील के छिलका उतार के उनकी प्यूरी बना ली है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ठंडा करके बिल्कुल इसको कढ़ाई में फिर मैंगो ही शामिल करना है, ऐसे ये ख़राब हो जाएगा गर्म गर्म में शामिल करेंगे तो। अब हम इसे सेट कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते लगा देंगे। आपको जो पसंद आप लगा सकते हैं, बादाम, अखरोट, काजू वगैरह। हमारी बर्फी बन के तैयार हो गई। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये 2 घंटे, 3-4 घंटे, जितने घंटे में सेट